विधानसभा से संसद तक किसानों की आवाज उठा रहे हुड्डा पिता पुत्र। भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा और दीपेंद्र संसद में उठा रहे किसानों की आवाज। केंद्र और प्रदेश सरकार ने शहीद किसानों के नाम नहीं किए शोक प्रस्ताव में शामिल। दीपेंद्र हुड्डा ने फिर उठाई जान गंवाने वाले किसानों के नाम शोक संदेश में शामिल करने की मांग। भूपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा में पढ़ा था किसानों के लिए शोक प्रस्ताव। बार बार कहने के बावजूद सरकार ने किसानों के प्रति संवेदना का एक शब्द भी नहीं कहा। नए कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन करते हुए देश के अन्नदाता को 3 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। ऐसे में सैकड़ों किसान अपनी जान की कुर्बानी भी दे चुके हैं। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार विधानसभा में और उनके बेटे व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा संसद में किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर राज्यसभा में दिल्ली बॉर्डर पर जान गंवाने वाले किसानों के नाम शोक संदेश में शामिल करने की मांग उठाई। 3 पूर्व सांसदों के निधन पर शोक प्रस्ताव के दौरान दीपेंद्र ने कहा कि किसान आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले किसानों और उनके परिवारों का सरकार अपमान कर रही है। दीपेंद्र ने कहा, अगर सरकार शहीद किसानों के नाम शोक प्रस्ताव में शामिल नहीं करती तो उनके परिजनों के प्रति कम से कम संवेदना के 2 शब्द तो कहे। सरकार की ओर से कोई मंत्री ही शोक प्रकट करे, लेकिन सरकार ने इस बात को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि देश चर्चा के लिए सही मुद्दों का चुनाव करे। अब तक लगभग 300 किसान दिल्ली की सीमा पर शहीद हो गए, हम कब तक मूक दर्शक बने रहेंगे। सरकार के लिए आंदोलन में जान गंवा चुके किसान और उनका परिवार महत्वपूर्ण विषय नहीं होंगे, पर मेरे लिए हैं। दीपेंद्र ने कहा, मैं किसान का बेटा हूं और मैंने बहुत करीब से अपने भाइयों का संघर्ष देखा है, उनका दर्द महसूस किया है। मैं एक एक शहीद परिवार से मिलने और उनकी हर संभव मदद करने के लिए कटिबद्ध हूँ। दीपेंद्र ने कहा, देश ने आखिर कौन सा ऐसा आंदोलन देखा था जहां 300 किसानों की शहादत पर सन्नाटा था, मीडिया चुप थी और सरकार चुनावों में व्यस्त थी। याद रहे, इतिहास इन क्षणों को कभी नहीं भूलेगा, उन चेहरों को कभी नहीं भूलेगा जो अन्नदाताओं की मृत्यु पर संवेदना तक व्यक्त नहीं कर सके। वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक प्रस्ताव पढ़ा। लेकिन आंदोलन के पहले दिन से ही किसान विरोधी नीति अपना रही हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने उन किसानों के नाम शोक प्रस्ताव में शामिल नहीं करवाए। इतना ही नहीं, बजट सत्र में जब पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए प्राइवेट बिल पेश किया गया तो सरकार ने उसे भी नामंजूर कर दिया। यह सदन किसान आंदोलन में जो किसानों की जायज मांग करते हुए हरियाणा बॉर्डर पर शहीद हुए उनके निधन पर 11 शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों को के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल की ओर से आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले हर किसान के परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 2 लाख रुपए देने का काम किया गया है। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा ये घोषणा भी कर चुके हैं कि यदि भविष्य में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सभी शहीद किसानों को शहीद का दर्जा देने के अलावा उनके परिवार की आर्थिक मदद और 1 सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम भी किया जाएगा। हल्ला बोल हरियाणा।